1 सितंबर से लागू हुआ न्यू मोटर व्हीकल एक्ट 2019 इस वक्त पूरे देश में सबसे दिलचस्प मुद्दा बना हुआ है। इस नए एक्ट में जुर्माने की राशि को सीधे सीधे 10 गुना तक बढ़ा दिया गया है, जिससे सड़क पर पहले चौधरी की तरह शान से बिना किसी यातायात नियम कानून का पालन किए घूमने वाले आम से लेकर खास तक की सिट्टी पिट्टी गुल हो रखी है। हालांकि अब इसको लेकर केंद्र वर्सेस राज्य वाली स्थिति पैदा हो गई है। अब गैर बीजेपी शासित राज्यों ने तो इस नियम को ये कहकर अब तक अपने यहाँ लागू ही नहीं किया कि ये जनता पर बोझ है और हम इसकी समीक्षा करके ही लागू करेंगे। लेकिन इस पूरे हंगामे ने तब और भी दिलचस्प मोड़ ले लिया जब बीजेपी शासित राज्यों ने भी नियम में बदलाव करने के बाद ही यहाँ इन नियमों को लागू करने की बातचीत शुरू कर दी। गेहूं रंग में दिखने वाले राज्य बीजेपी शासित है, जिसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, उत्तराखंड, झारखंड, हरियाणा, गोवा है। और नीले रंग में नजर आने वाले राज्य गैर बीजेपी शासित है, जिसमें पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, ओडिशा शामिल है। ये वो राज्य हैं जिन्होंने इन नए ट्रैफिक नियमों में या तो बदलाव करके लागू किया है या फिर उन्हें लागू करने से पहले समीक्षा करने की बात कह रहे हैं। गुजरात सरकार ने मंगलवार को नए ट्रैफिक नियमों में बदलाव कर जुर्माना राशि घटा दी। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कई जुर्मानों पर तो भारी छूट का ऐलान किया। कई मामलों में ये आधी कर दी गई है तो कुछ में तो 90% तक की कमी की गई है। सरकार ने बदलाव के पीछे तर्क दिया कि जुर्माना बहुत ज्यादा था और इससे जनता को काफी परेशानी होती। उत्तराखंड सरकार ने भी नए मोटर व्हीकल एक्ट के इन जुर्मानों में आंशिक संशोधन किया है। राज्य की त्रिवेंद्र सरकार ने कुछ नियमों की जुर्माना राशि में 50% तक की कटौती की है। हालांकि कुछ नियमों की जुर्माना राशि में कोई बदलाव नहीं किया गया है। कर्नाटक में भी इन जुर्मानों में बड़ी कटौती को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। सीएम बीएस येदियुरप्पा इन नियमों को लेकर गुजरात मॉडल की स्टडी के बाद उसे राज्य में लागू कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ट्रैफिक नियम तोड़ने पर जुर्माने को लेकर जो बदलाव गुजरात सरकार ने किए हैं, हम भी उन्हें ही फॉलो करेंगे। महाराष्ट्र ने भी इस कानून के आगे अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। महाराष्ट्र में अभी ये एक्ट लागू नहीं किया गया है। दरअसल यहाँ कुछ ही महीनों में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सीएम देवेंद्र फडणवीस इस नियम को लागू करके किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। इसी के मद्देनजर महाराष्ट्र में परिवहन मंत्री दिवाकर रावते ने नितिन गडकरी से मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव करने की अपील की है। वैसे गौर करने वाली बात ये है कि महाराष्ट्र केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का भी गृह राज्य है। झारखंड भी अपने बाकी बीजेपी शासित राज्यों के नीति को फॉलो कर रहा है। दरअसल महाराष्ट्र की ही तरह झारखंड में भी कुछ महीनों में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में यहाँ की रघुवर सरकार को वोटों की चिंता है। इसी के चलते यहाँ भी अब तक नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू नहीं हुआ है और राज्य सरकार ने पहले ही जुर्माने में कटौती के संकेत दे दिए हैं। हरियाणा में भी इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसी के चलते राज्य के मुखिया मनोहर लाल खट्टर ने अभी न्यू मोटर व्हीकल एक्ट लागू करने से इनकार कर दिया है। सीएम खट्टर ने कहा कि इसकी जगह अब राज्य सरकार की ओर से पूरे हरियाणा में ट्रैफिक नियमों के लिए जागरूक अभियान चलाया जाएगा। गोवा की बीजेपी नेतृत्व वाली सरकार ने नए नियम लागू करने से इनकार कर दिया है। इसके पीछे उन्होंने तर्क दिया है कि भारी भरकम जुर्माने लगाने से पहले हमारी जिम्मेदारी सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाना है। ऐसे में सरकार दिसंबर तक सभी सड़कों की मरम्मत करवाएगी और फिर जनवरी से संशोधित मोटर वाहन कानून लागू करेगी। पंजाब सरकार भी अब तक इन नए नियम को लेकर असमंजस की स्थिति में है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि राज्य सरकार अब भी निश्चित नहीं है कि नए ट्रैफिक रूल्स को जस का तस अमल में लाया जाएगा या उनमें कुछ निश्चित बदलाव किए जाएंगे। ऐसे में ये नए नियम अभी लागू नहीं किए जाएंगे। राजस्थान में तो इस नए मोटर एक्ट को लेकर घमासान मचा हुआ है।
हालांकि राज्य की गहलोत सरकार अभी भी इस एक्ट को लागू करने पर विचार कर रही है, लेकिन गुजरात सरकार द्वारा इस एक्ट में संशोधन के बाद राजस्थान सरकार के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा है कि नितिन गडकरी ने कहा था कि सभी राज्यों को ये फैसला मानना होगा, लेकिन सिर्फ बीजेपी शासित राज्य ही इस एक्ट में संशोधन करके इसे अपने यहाँ लागू कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी अभी तक ये नए ट्रैफिक नियम लागू नहीं हुए हैं। राज्य के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इन ट्रैफिक नियमों को लेकर कहा है कि सरकार के लिए जनता सबसे पहली प्राथमिकता है। ऐसे में राज्य सरकार पहले इस एक्ट का अध्ययन करेगी, फिर जनहित के मद्देनजर इस पर फैसला लेगी। इतना ही नहीं, सीएम कमलनाथ ने कहा था कि वो इस बारे में केंद्र सरकार से भी बात करेंगे। छत्तीसगढ़ में भी नए मोटर विधेयक को लागू करने में संशय की स्थिति बनी हुई है। राज्य के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने संवाददाताओं को बताया कि अभी इसका राज्य की स्थिति के हिसाब से अध्ययन किया जा रहा है, जिसके बाद राज्य की जनता के हित में जो उचित होगा वही फैसला लिया जाएगा। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तो साफ साफ लफ्जों में कह दिया है कि केंद्र सरकार का नया मोटर व्हीकल एक्ट पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये कानून लोगों पर बोझ है, लिहाजा इसे बंगाल में लागू नहीं किया जाएगा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी कहा कि इस एक्ट को लेकर लोगों को 3 महीने का वक्त देना चाहिए। अब राज्य भर में नाकों पर दोपहिये चालकों को हेलमेट देकर जागरूक किया जा रहा है। दिल्ली, जहां इस एक्ट के लागू होने के पहले ही दिन सबसे ज्यादा चालान काटे गए थे, वहां की केजरीवाल सरकार भी मौके पर चुकाए जाने वाले जुर्माने को लेकर सभी पक्षों के साथ विचार कर रही है। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि हम दूसरे राज्यों की प्रतिक्रिया देखकर ही फैसला लेंगे। इस नए मोटर एक्ट को लागू हुए अभी महज 12 दिन ही हुए और अभी से राज्यों के पसीने छूट गए हैं। रोड सेफ्टी से ज्यादा यहां वोट और जनता के आगे सरकार की इमेज को लेकर सवाल खड़ा है। हालांकि अगर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि केंद्र की तरफ ये जुर्माना कमाई के लिए नहीं बल्कि लोगों की सुरक्षा के लिए लगाया गया है, अगर कानून कड़ा होगा तो लोग उसका पालन जरूर करेंगे और यही जनता के हित में है। पंजाब केसरी टीवी के लिए प्राची उपाध्याय की रिपोर्ट।